हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फॉरवर्ड स्माइल। कुकिंग के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ मलबर स्पिनच रेसिपी, जिसे हम बंगाली में कहते हैं पुई शाक। तो इसको आज मैं फ़िश हेड के साथ बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मलबर स्पिनच के पत्तों को अच्छी तरह से धो के यहाँ पे काट के रखा है अलग से, और यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ के आलू को स्क्वायर शेप में काट के रखा है, और उसी अकॉर्डिंग मैंने एक पम्पकिन को काट के रखा है, और स्पिनच के जो डांट है उसे मैंने 2 इंच के हिसाब से काट लिया है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का ऑनियन काट के रखा है और कुछ ग्रीन चिलीज उसके साथ मैंने लिया है। मसाले भी यहाँ पर मैंने लिया है 5 फ़ोरन, नमक, चीनी और हल्दी पाउडर। बस इन्हीं कुछ इन्ग्रीडियंट से आज मैं ये रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने कतला फ़िश के हेड को लिया है, इसे मैंने पहले से ही नमक और हल्दी से मैरिनेट करके रखा था, पहले से ही इसे मैंने फ्राई करके रखा है। आज मैं रेसिपी मस्टर्ड ऑयल में बनाने वाली हूँ। ये है फ़िश को फ्राई करने के बाद जो ऑयल बचा हुआ है, उसी में मैं रेसिपी बना रही हूँ। कुछ एक्स्ट्रा ऑयल मैंने इस पर ऐड नहीं किया। तो अभी मैंने पहले 5 फ़ोरन को इसमें ऐड कर दिया है। 5 फ़ोरन को ऐड करने के बाद अब थोड़ी देर तक इसे ऑयल में फ्राई होने के लिए दे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑनियन। ऑनियन को भी आप थोड़ी देर ऑयल में फ्राई कीजिए। अभी ऑनियन थोड़ा सा ब्राउन कलर का फ्राई हो चुका है। इसमें अभी मैं ऐड कर रही हूँ आलू और पम्पकिन। इसे थोड़ी देर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ऑयल में फ्राई होने देंगे। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्पिनच के डांट को। सारे डांट मैं इस पर ऐड कर रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह से बाकी सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। मैं अभी थोड़ा सा नमक इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने फ़िश हेड को भी सॉल्ट के साथ फ्राई करके रखा है। सॉल्ट और तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम मैं ऐड कर रही हूँ स्पिनच के पत्तों को। सारी पत्तियाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी और सारी सब्जियों के साथ इसे मिक्स कर लूँगी। पत्तियों को मैं सारी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप एक ढक्कन से इसे ढक दीजिए और गैस के फ्लेम को लो कर दीजिए, क्योंकि स्पिनच के पत्तों से पानी निकल आता है। इस टाइम मैं 2 ग्रीन चिलीज भी ऐड कर रही हूँ। अभी मैं इसको एक बर्तन से ढक दूँगी और गैस के फ्लेम को लो कर दूँगी। 2 से 3 मिनट तक इसे ढक के पकाने के बाद अभी आप देखेंगे कि स्पिनच के पत्तों से कितना पानी निकल चुका है। तो आपको एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो पानी निकला है, इसी से आपके सारी सब्जियां बॉयल हो जाएंगी, इसलिए आप लो फ्लेम में ढक के इसे थोड़ी देर तक पकाएं। अभी 2 से 3 मिनट के बाद मैं फिर से इसको ढक्कन हटा के देख रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आप गैस के फ्लेम को लो रखिए ताकि ये नीचे से जल ना जाए। तो अभी आप देखिए कि ये सारी सब्जियां बॉयल हो चुकी है। स्पैचुला की मदद से आप देख सकते हैं कि सारी सब्जियां अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है और कट हो रही है। इस टाइम मैं थोड़ा सा चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको चीनी पसंद ना आए तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे।
अभी इस टाइम मैं फ़िश हेड को ऐड कर रही हूँ। फ़िश हेड को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके साथ, और मिक्स करने के बाद इसे 2 से 2.5 मिनट तक इसमें पकने देंगे। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप सबसे सारी रेसिपी शेयर करती हूँ, ताकि आप अगर वर्किंग वूमेन हो तो बहुत ही सिंपल और फास्ट आप सारी रेसिपी घर पे बना सके। तो अभी ये बिल्कुल रेडी है, मैं इसे सर्विंग बोल में उतार लूँगी और गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 डिश में रखा है इसे, एक फ़िश हेड के साथ है, एक बिना फ़िश हेड में है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, स्टे सेफ, वेयर मास्क।